So what are you up to now? Or this is me back and other blogs. तो आज मैं जा रहा हूँ करोलबाग की जैकेट परचेज करने, राइडिंग जैकेट, बिकॉज एक राइड प्लान किया मैंने और बहुत जल्दी मैं जाने वाला हूँ. इट्स अबाउट टू कम, तो बी कनेक्ट विद माई चैनल. तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे को विकास को लेना है वहाँ से, लक्ष्मी नगर से. तो विकास मिलेगा, विकास के साथ में जाएंगे करोलबाग. करोलबाग जाके फिर आपको राइडिंग जैकेट्स कौन सा ले रहा हूँ वो सब दिखाऊंगा. तो स्टे कनेक्टेड विद माय ब्लॉग्स. तो चलते हैं करोलबाग और विकास मिलेगा मुझे लक्ष्मी नगर, जैसा कि मैंने आप सबको बताया. तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ और ये देखिए मंदिर है. और मैं अभी जाऊंगा लक्ष्मी नगर विकास के पास. विकास भी ऑफिस से फ्री हो गया होगा और ऑफिस से फ्री होने के बाद लोगों ने प्लान किया था कि उसके पास एक जैकेट है लेवल वन की, आई थिंक लेवल वन ही है उसके पास. हाँ, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, पूछता हूँ जाके. और मेरे पास कोई जैकेट नहीं थी अभी तक, तो मैं जा रहा हूँ एक जैकेट खरीदने. ठीक है, अभी तक आर्म प्रोटेक्टर से काम चला रहा था, तो अभी जैकेट खरीदूँगा जाके. उसके बाद फिर प्लान करते हैं नेक्स्ट राइड. तो बने रहिए हमारे ब्लॉग्स के साथ और देखते रहिए, मजे करते रहिए. और पूरी बात, अगर आपने अभी तक लाइक किया है, सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करो, मैडम आराम से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, प्लीज़ प्लीज़ यार कर दो यार. गया हूँ विकास के रूम पे और भाई साहब अभी तक आए ही नहीं है, तो इसमें कोई अपना लौंडा होगा एक. अंधेरा कायम रहे. ये देख रहे हो लौंडे पड़े लेटे हैं. क्या हाल है बच्चों, कब आएगा विकास? वो तो रेडी कह रहा है, वो तो कह रहा मैंने ऑफ ले लिया छुट्टी. अच्छा, रानी के लिए तू चलेगा? मैं यार परसों तो आया हूँ यार. चल ठीक है, विकास आने वाला है. और ये देखिए भाई साहब आ गए, 6 बजे आने वाले थे. अच्छा भाई साहब रूम में भी हेलमेट, ये कतई जहर हो रहे हैं भाई. तो थोड़ा सा लेट हम ऑफिस में काम जा रहा था. अच्छा अच्छा, चलें फिर निकलें. बिल्कुल निकलते हैं. फाइनली हम भैया की शॉप पे, चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स इन करोलबाग आ चुके हैं, जहाँ पे तुम्हें बहुत सारी जैकेट मिलेंगी. जैकेट एक की बात तो छोड़ो, जैकेट्स पे जैकेट्स, चारों तरफ जैकेट ही जैकेट, जैकेट ही जैकेट. अब डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी लेनी है. और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाला हूँ, क्योंकि जैकेट बहुत ज़्यादा होंगी तो ये लोग सजेस्ट करेंगे. लौंडा ये दीपक लाल के फैन हैं. हाँ नहीं, लंबी तो नहीं, सेम है और थोड़ा सा कलर चेंज होगा, बाकी देखते हैं. कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया. ये 7,500 के थे.
8,888 का, ये 85 का पड़ेगा आपको और ये 71 का पड़ेगा। इससे और कुछ होगा? इसमें पीछे पुट भी है। सिटीजन का वैल्यू जाएगा ना, हम लोग तो सारी उम्र काम कर चुके, आपका काम शुरू हुआ जिंदगी का। तो अंकल बता फिर फाइनल कितना कर दूं मैं? मैंने तेरे सामने खोल के किताब रख दी है, तो कहते हो 100 रुपए और ले इसको, इतना चलो ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकते, कर दो कार्ड कर दो। ये है मैग्नेट, मैग्नेट टैंक बैग, ये भी ले रहा हूँ मैं, लेना ये तुझे विकास, तो कोई नहीं साफ ही होगा, क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ पे क्या करें, अच्छा शोरूम नहीं है, तुम सब दुआ करो। अच्छा ये देखो, ये देखो, मतलब कोई भी करोल बाग में आए ना तो इन्हें सब सब जानते हो, कह रहे शोरूम नहीं है, छोटी सी दुकान में पूरा माहौल बना के रखे हुए। नाम दिखता है, हम जैसे स्टूडेंट जानते हैं। चल ले ले फिर, है ना ये? बिल्कुल भैया। करोल बाग घूमने के बाद सारे आए खाने, व्हाट वी कंसीडर, जैकेट पार्टी? हाँ हाँ, या जैकेट पार्टी हो गया है। क्या जैकेट पार्टी? दीपक कलर। अभी खाना ऑर्डर किया है, खाना आएगा फिर खा के ऑफिस निकलेंगे। यहाँ सभी बोल रहे पतला आज सैलेड सैलेड एज यूजुअल। हेमंत को भूख बहुत पहले से लगी हुई थी, मुस्कान की चमकान। और दीपक कलाल। नियोन इधर भी, नियोन एकदम। तो अर्जुन कैसी लग रही जैकेट? कैसी लग रही है जैकेट? ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, और आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे जैकेट परचेज करने के बाद। बहुत पहले से मैं चाह रहा था कि मैं एक राइडिंग जैकेट खरीदूं, बट संभव मैं खरीद नहीं पा रहा था, और लेकिन फाइनली मैंने आज जैकेट खरीद ली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग्स के साथ और देखते रहिए, अपना प्यार दीजिए, और आप लोग कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट राइड जो होने वाली है तो कनेक्ट भी रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉच माय ब्लॉग्स, एंड प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब राइट नाउ, प्लीज़ मेक सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।